नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दशरथ प्रधान। तो चलिए जानते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों को फटाफट। गुरुग्राम के दौलताबाद औद्योगिक क्षेत्र में देर रात एक फायरबॉल बनाने वाली फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ। इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई। करीब 24 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हादसे में 2 श्रमिकों की जलकर मौत हो गई। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगभग 21 महीना बाद अब अपने सर से मुरेठा खोलेंगे। वे अयोध्या में सिर मुंडवाकर भगवान राम के चरणों पर पगड़ी समर्पित करेंगे। नीट यूजीसी नेट परीक्षाओं को लेकर देश भर में चर्चा तेज है। विवाद के बीच केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा अधिनियम 2024 अधिसूचित किया है। इसका उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार और अनियमितताओं पर अंकुश लगाना है। इस अधिनियम के तहत अपराधियों को कठोर दंड देने का प्रावधान है। दोषी पाए जाने पर अपराधियों को अधिकतम 10 साल की जेल की सजा के साथ 1 करोड़ रुपये तक की जुर्माना का प्रावधान है। बिहार में मॉनसून का प्रवेश हो गया है। उधर नेपाल में हुई जोरदार बारिश ने बिहार की नदियों में भी उफान ला दिया है। कोसी सीमांचल की नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है और बाढ़ की आहट से अब लोग सहमे हुए हैं। खेत खलियान कई जगह डूब गई है तो कई गांव में भी नदी का पानी घुस चुका है। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 अपने चरम पर पहुंच रहा है और सुपर 8 चरण चल रहा है। भारत और बांग्लादेश 22 जून को एंटीगुआ के नॉर्थ साउंड के सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम में अपना महत्वपूर्ण मैच में आमने सामने होंगे। ये मैच एक रोमांचक मुकाबला होने का वादा करता है, जिसमें दोनों टीम नॉकआउट चरणों से पहले एक मजबूत छाप छोड़ना चाहेंगी। दुमका जिला के दिक्की ओपी क्षेत्र अंतर्गत श्री अमडा में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल बस हाई टेंशन तार की चपेट में आ गई, जिसकी वजह से बस में आग लग गई और इस घटना में 2 बस जल गए। मशहूर बॉलीवुड अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा कल अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। ऐसे में अब उनके प्री वेडिंग सेलिब्रेशन शुरू हो चुके हैं और हाल ही में सोशल मीडिया पर उनकी हल्दी सेरेमनी की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। दोनों बेहद ही खूबसूरत लुक्स में नजर आए और तस्वीर में उनके साथ उनके परिवार के लोग और दोस्त भी शामिल हैं। भारतीय हज यात्रियों की मौत पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि इस साल अब तक 1,75,000 हज यात्री मक्का गए थे, जिनमें से 98 हज यात्रियों की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि अधिकतर हज यात्रियों की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई है। कुछ यात्रियों की मौत गंभीर बीमारी और बुढ़ापे की वजह से भी हुई है। यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। मामले को लेकर शिक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा है कि प्रथम दृष्टा में जो बात सामने आ रही है उसके अनुसार यूजीसी नेट में गड़बड़ी की गई है। परीक्षा की कोई नई तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी। उन्होंने कहा कि यूजीसी नेट के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली थी। उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे रद्द करने का फैसला लिया गया। पुणे पोर्स कार हादसा मामले में पुणे की सेशन कोर्ट से नाबालिग आरोपी के पिता को जमानत मिल गई है। गौरतलब है कि इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई थी।